राजधानी दिल्ली आकर्षण रूप बीटिंग दाड़ी टेट सेरिमनी विजय सकल आज दिन भाग अनुषित हल यह विशेष अनुषान तीनोटा बाहिनीर आकर्षण बेन्डे दर्शकक मंत्रमुग्ध कर रखिले अनुषान उपस्थित थकिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री सह केन्द्र मंत्रीवर्ग आहक आज दिल्ली राजपथ अनुषित हुआ यह बीटिंग टेट सेरिमनिर किसु अंश Thank you.
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजें, तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वे हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मास का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी, तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया। उनके साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने भी कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र नाम के चार चक्र, जिनके ऊपर शान से खड़ा है एक विजय स्तंभ, जिसके अंदर दिन रात जलती रहती है एक अखंड अमर जवान ज्योति। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्ध पोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है, और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है।